चोन कमिशन वालों लगाया गया चोन जाबता ते दूजे बन्ने सरकार दियां स्कीमां वाले भेजे जा रहे व्हाट्सएप ते उत्ते संदेश। हुण इलैक्शन कमिशन ने आईटी मंत्रालय नूं नोटिस भेज के कहा तुरंत बंद करो ये भेजने संदेश। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। पर आईटी मंत्रालय ने अगो इलेक्शन कमिशन नू ए जवाब दे विच गल आखी है कि ए असी संदेश जिहड़े ने चोन जाबता लगन तो पहला ही व्हाट्सएप दे उत्ते भेजे हुए ने पर किसे तकनीकी कारण दे करके हुण ए जिहड़े मैसेज ने लोकां तक या उन्हां दे व्हाट्सएप तक पहुंच रहे ने जिस करके हुण इलेक्शन कमिशन सख्त हो चुका है। दस दईए कि चोन जाबता लग चुका है ते सारे अधिकार जिहड़े ने या जो पावर्स ने वो इलेक्शन कमिशन दे कोल चलियां जांदियां ने। हालांकि इलेक्शन कमिशन दे वल्लों सख्त निर्देश भी जारी किए गए ने कि किसी भी तरीके की कोई भी अणगहली जिहड़ी है इस बार नहीं वरती जाएगी। जेकर किसी भी तरीके की कोई अणगहली वरती जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो दरअसल ये मैसेज एक तुहानूं मैसेज जरूर स्क्रीन के साइड के उत्ते दिखाया जा रहा है विकसित भारत नाम का जो कि केंद्र की सरकार वल्लों एक आईटी मंत्रालय दे वल्लों भेजा गया है केंद्र सरकार दा जो केंद्र सरकार दे वल्लों पिछले सालां दे दौरान यानी कि अपने कार्यकाल दे दौरान जिहड़ियां स्कीमां अपनाईयां गईयां ने या जिन्हां स्कीमां नूं लागू कीता गया उस बारे पूरा एक मैसेज डिटेल दे विच लिख के विकसित भारत नाम दा एक नाम दे उत्तों ये मैसेज नूं भेजिया गया। तो जदों चोण कमिशन दे कोल ये पूरी जानकारी पहुंचती है तो उन्हां दे वल्लों आईटी मंत्रालय नूं फटकार लगाई जाती है कहा जाता है कि तुरंत हुण बंद कर दिओ इस विकसित भारत नाम दे संकेत जो व्हाट्सएप दे उत्ते आम लोकां दे व्हाट्सएप दे उत्ते भेजे जा रहे ने। तां लगातार हुण शिकायतां जुड़ियां ने चोण कमिशन नूं मिल रहियां ने ते दस दईए कि नरेंद्र मोदी जो कि देश दे प्रधानमंत्री ने उन्हां दे उत्ते भी दो शिकायतां दर्ज हो चुकियां ने। नाल दे नाल तुहानूं दस दईए कि प्रधानमंत्री मोदी दे खिलाफ भी चोण जाबते दी उलंघना दीआं दो शिकायतां दर्ज कीतियां गईआं हन। चोण कमिशन ने 16 मार्च नूं 7 पड़ावां विच लोक सभा चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कर दित्ता है जिस तों तुरंत बाद चोण जाबता लागू हो गया। 21 राज्यां दीआं 102 सीटां लई पहले पड़ा दी वोटिंग 19 अप्रैल नूं होणी है। चोण जाबता लागू होण नाल इस दी उलंघना दीआं शिकायतां भी दर्ज होण लगियां हन। 24 घंटियां विच पीएम मोदी दे खिलाफ दो शिकायतां कमिशन कोल पहुंचियां हन जिस तों बाद हुण कमिशन ने एक गल आखी है आईटी मंत्रालय नूं कि विकास भारत संदेशां नूं तुरंत बंद करन दे निर्देश दे दित्ते ने। हालांकि दस्सिया ये भी जा रहा है कि चोण कमिशन ने 4 राज्यां गुजरात पंजाब उड़ीसा अते असाम दे विच नॉन कैंडर अधिकारियां दे तबादले दे हुक्म भी जारी कीते हन। इन्हां दे विचों 8 कलैक्टर अते 8 SP शामिल हन। तां हुण वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां कि विकसित भारत संदेश नाम दे उत्ते व्हाट्सएप दे उत्ते इस नाम तो केंद्र सरकार दीआं उपलब्धियां या स्कीमां बारे लोकां तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा सीगा। जदों ये शिकायत इलैक्शन कमिशन दे कोल पहुंचदी है इलैक्शन कमिशन ने आईटी मंत्रालय नूं ये फटकार लगाई है कि ये संदेश भेजने तुरंत बंद कर दिओ। उस तों बाद आईटी ने ये जवाब दिता कि असी चोण जाबता लगन तो पहला ही मैसेजेस भेजे हुए सीगे पर किसी तकनीकी कारण करके हुण ये मैसेजेस जिहड़े आ लोकां दे व्हाट्सएप तक या लोकां तक पहुँच रहे ने। पर तुहानूं दस दईए कि चोण जाबता लगा होया ते चोण जाबता लगन दे बावजूद जिहड़ियां अजिहियां अणगहलियां देखण नूं मिल रहियां ने या कह दईए कि चोण जाबता लगन तों बाद पीएम मोदी दे खिलाफ चोण कमिशन नूं दो शिकायतां भी दर्ज हो चुकियां ने।